एग्जॉर्सिस्ट की हाइप इसलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि जो उस मूवी में एक एक चीज हुई है वो एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। ये 1949 में किस्सा हुआ था, जैसे फिल्म में एक लड़की के साथ ये हुआ है, असल जिंदगी में लड़की के साथ हुआ था। एक 14 साल का लड़का था रॉबी नाम का, वो अपनी आंट के साथ रहता था, उसे पेरेंट्स नहीं थे। और कुछ दिन बाद उसकी आंट की डेथ हो गई, उसने कहीं पे देखा कि ओइजा बोर्ड के थ्रू बात कर सकते हैं। वो रोज हर टाइम उस ओइजा बोर्ड पे लगने लगा, उसे था कि मैं अपनी आंट से बात करूंगा किसी तरह। एक दिन ऐसा हुआ कि घर पे कोई नहीं था, कमरे की लाइट्स फ्लिकर हुई, उसका एकदम से सर चकराने लगा एंड उसे दो काली परछाई ऐसे कमरे में घूमती भी नजर आने लगी। और जब वो फैमिली वाले वापस आए, वो रॉबी उनके ऊपर चीख रहा था पागलों की तरह। रॉबी की आवाज नहीं थी, वो किसी भारी सी मर्द की आवाज थी। वो पहले तो उन्हें नहीं लगा कि वो पोजेस्ड है, तो उन्होंने साइकियाट्रिस्ट को दिखाया बहुत सारे। फिर वो दो प्रीस्ट को लेके आए, प्रीस्ट ने घर के अंदर घुसे, रॉबी ने चिल्लाया है उनपे, चीखा चिल्लाया है, और वो भी लैटिन भाषा में चिल्ला रहा था वो उनके ऊपर। जैसे उसमें दिखाया ना कि बेड उठ जाता है, बेड उठती है, ये सब होता है, तो ये सारी चीजें भी उसके साथ हुई। उसके ना बॉडी पे मार्क्स बनने लगे और उसकी बॉडी के ऊपर एक एक्स बन के आ गया। एक्स का मतलब था लैटिन में 10, एंड दैट मींस 10 स्पिरिट्स ने उस लड़की को पोजेस कर लिया।